आज जिनकी पुस्तक का विमोचन हुआ है, आदरणीय श्री राजेश सिंह जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं, काव्य कथा वीथिका। मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। क्षय रोग के निवारण में और सामाजिक मुद्दों पर उनकी लेखनी जिस तरीके से चलती है, और यह उनकी तीसरी पुस्तक है, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें आदरणीय राजेश सिंह जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। मैं आदरणीय राजेंद्र पंडित जी की चार पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करता हूँ। हास्य की चार पंक्तियाँ हैं, क्योंकि लोगों का एक माइंडसेट बन चुका है कि कवि सम्मेलन का मतलब हमें कुछ हंसने को मिलेगा, तो मैं वो चार पंक्तियाँ, ताकि आपका मन निराश ना हो, मैं चार पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ कि पीकर गाय भैंस तक को महतारी कहता है। समझिएगा, पीकर गाय भैंस तक को महतारी कहता है, जुम्मन को अक्सर वह चचा तिवारी कहता है, और सच जनता इतनी यदि खंभे से भी टकराए, दोनों हाथ जोड़कर उसको सॉरी कहता है। ये उस द्रव्य की बात हो रही थी जिसे प्रायः लोग शाम को पी लेते हैं कोरोना मारने के लिए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें आदरणीय राजेश सिंह जी। परम आदरणीय इस महफिल में बैठे हुए, इस कवि सम्मेलन में बैठे हुए तमाम आदरणीय कलमकारगण, मंच पर आसीन श्रद्धेय ज्ञानी जी, संतोष जी और तमाम वरिष्ठ कलाकार साहित्यकार, आज मेरी पुस्तक, मेरा सौभाग्य है कि आज मेरी पुस्तक काव्य कथा वीथिका सोमनाथ जी के इस बदलाव टीम के एक बहुत बड़े सुंदर से आयोजन में विमोचित की गई है, मेरे लिए गर्व की बात है। क्या बात है, बहुत यह मेरा गर्व है। यह पुस्तक अभिसिंचित है श्री रामदेव धुरंधर, मॉरिशस के एक बहुत बड़े हिंदी के साहित्यकार हैं, कथाकार हैं, बहुत बहुत साधुवाद, उनके द्वारा अभिसिंचित पुस्तक है। और मुझे गर्व इस बात का है कि लखनऊ की इस धरती पर सोमनाथ कश्यप जी जैसे एक जुआ चेहरे को और उनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और यह पुस्तक इस कार्यक्रम में विमोचित करने के पीछे भी एक और कारण था। जब याद है कि काव्य कथा वीथिका का मतलब ही था कविता में कहानी, और एक घटना, जितनी घटनाएं हमारे पास होती थी इर्द गिर्द, मैं उन घटनाओं को नोट करता था, जैसा लॉकडाउन के पीरियड में सबने कहा, सोमनाथ जी ने भी किया। मैं एक अपनी कविता, जो हमारी अपनी कविता होती है, उसको सुनाने से पहले इस पुस्तक में लिखी हुई वह कविता जो सोमनाथ के लिए है, वह कुछ खास है और प्यारा है, वह कुछ खास और प्यारा है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। हीरे बहुत तेरे होते हैं, हीरे बहुत तेरे होते हैं, कुछ हीरे खास ही होते हैं। हीरे बहुत तेरे होते हैं, कुछ हीरे खास ही होते हैं, कुछ हीरे हमें नहीं दिखते, कुछ हीरे हमें नहीं दिखते, यद्यपि वे पास में होते हैं। क्या बात, यद्यपि वे पास में होते हैं। एक ऐसा ही हीरा, एक ऐसा हीरा ही हीरा नीरज जी के संग में देखा, एक ऐसा ही हीरा मैंने नीरज जी के संग में देखा, कविता वाचन करते देखा, कविता वाचन करते देखा, अति उत्तम लय में देखा, अति उत्तम लय में देखा, फिर हुआ अचानक, फिर हुआ अचानक ऐसा कि वह मेरे पास चला आया। यह सत्य घटना है, जब वो पहली बार मिला था, फिर हुआ अचानक ऐसा कि वह मेरे पास चला आया, सच में वह सज्जन लगता था, सच में वह सज्जन लगता था, जैसा मेरी नजर में आया, जैसा मेरी नजर में आया, उसकी उस प्रतिभा को, उसकी उस प्रतिभा और कृति को संक्रमण समय में निरखा मैंने, उसकी प्रतिभा और कृति को संक्रमण समय में परखा मैंने। संक्रमण समय कोरोना के उस पैंडेमिक के उस पीरियड की मैं बात कर रहा हूं, जब देश पर वैश्विक विपदा है, जब देश पर वैश्विक विपदा है, इस प्रतिभा को देखा मैंने, इस प्रतिभा को देखा मैंने। निशात निराश्रित गरीब के भोजन का संकल्प लिया इस बालक ने, निराश्रित गरीब के भोजन का संकल्प लिया इस बालक ने, अपने सब साथी के समेत वह खड़ा दिखा हर हालत में, वह खड़ा दिखा हर हालत में। वो पीरियड ऐसा था कि शायद उस समय कोई भी व्यक्ति नहीं आ रहा था, उस समय मैंने इस बच्चे को देखा था,
अपने सब साथी के सभी वह खड़ा दिखा हर हालत में बदलाव को कदम बढ़े आगे शिक्षा की तरफ इशारा है। बदलाव को कदम बढ़े आगे शिक्षा की तरफ इशारा है। संकल्प बताता है इसका वह रूप खास और प्यारा है, वह रूप खास और प्यारा है। यह कथा वीथिका लिखती है। संकल्प बताता है इसका वह रूप खास और प्यारा है। सोमनाथ की गाथा को यह कथा वीथिका लिखती है। सोमनाथ की गाथा को यह कथा वीथिका लिखती है। अपनी कृति के इन पन्नों में अति आदर के संग रखती है। ये कविता मेरी सोमनाथ के लिए है और यह उसके जोरदार तालियां उसके लिए। एक एक शब्द जो है सोमनाथ जी के चरित्र को पूरी तरीके से जस्टिफाई कर रहा है। बहुत जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए इस रचना का। अब मैं अपनी मूल एक रचना करके ज्यादा समय नहीं लूंगा, चूंकि मेरी भाव प्रधान कविताएं होती हैं। अज्ञानी जी जैसे बड़े हमारे बीच में श्रेष्ठ कवि हैं, तो मैं क्या हूं, मैं तो कुछ नहीं हूं। हिंदी की कुछ कहानियां लिखता हूं, कुछ संग्रह समीक्षा लिखता हूं, लेकिन मैं जिस भाव से लिखता हूं और जिन लोगों के दर्द को लिखता हूं उस पर इशारा करते हुए मेरी एक कविता है, आपको अच्छा लगेगा। एक दिन मैंने मुस्कुराते हुए इंसान को देखा। एक दिन मैंने मुस्कुराते हुए इंसान को देखा, उसके खुशियों का राज पूछा। एक दिन मैंने मुस्कुराते हुए इंसान को देखा, उसके खुशियों का राज पूछा। शर्माते हुए, थोड़ा चिढ़ाते हुए वह बोला, अपनी मुस्कुराहट का राज खोला, जी मुझे भर पेट भोजन नहीं मिलता, जी मुझे भर पेट भोजन नहीं मिलता, लेकिन मैं उनकी तरह से तरसता नहीं हूं। मुझे वैसी भूख नहीं लगती साहब जो भूख अमीरों को लगती है, मुझको वैसी भूख नहीं लगती साहब जो भूख अमीरों को लगती है। उनकी इस भूख को देखकर मुझे तरस आती है, उनकी भूख हमसे देखी नहीं जाती है, वे भूख से बिलबिलाते हैं, दौलत के भूख के चलते सामने रखे व्यंजन को भी निगल नहीं पाते हैं, हमें तो टूटी खाट पर भी गहरी नींद में सुंदर सपने आते हैं, वे तो मुलायम गद्दों पर भी सोते सोते जग कर बैठ जाते हैं, इधर तो खाली पेट भी अच्छी नींद आती है, उन्हें तो नींद की गोलियां भी सुला नहीं पाती, दुख और सुख जीवन के दो हिस्से हैं। इन्हें जैसे भी स्वीकार करोगे जरूर मिल जाएंगे। ये तो अमीर और गरीब सभी के जीवन के किस्से हैं, जहां तहां सुनने को मिल जाएंगे। अरे खुशी को पाने के लिए बहाने की कमी नहीं है, गम तो वहां भी है जहां कोई कमी नहीं है, जरा गरीब के झोंपड़ी में झांक कर देखो साहब, खुश रहने के बहाने मिल जाएंगे, और जिस खुशी को हम पैसों से नहीं खरीद पाते हैं उन तमाम खुशियों के खजाने मिल जाएंगे। धन्यवाद। जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक बार उन्हें पुनः बधाई काव्य कथा वीथिका के शानदार लोकार्पण के लिए।